भागलपुर के विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के परबत्ती में मुहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने को लेकर बुढ़िया काली मंदिर पर पत्थर फेंके जाने और मंदिर के ग्रिल को क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह भागलपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे 1 अगस्त से ही समाहरणालय गेट के पास उपवास सह अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी सम्मत सजा दिलाई जाए, जिसको लेकर 24 घंटे से भी अधिक समय से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक अनशन नहीं टूटेगा। वहीं इनका कहना है कि यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं सिर्फ सौहार्द का माहौल बिगड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जो भी आरोपित लोग हैं, जो भी उपद्रवी हैं, उनकी गिरफ्तारी से कम हमें कुछ मानी नहीं है। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यह उपवास हम समाप्त करने वाले हैं। इसलिए हमारा शासन के लोगों से विनम्र आग्रह है कि उनकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र करवाएं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी आप आग्रह हैं कि वह जो खेल राजनीति का जो खेल वह खेल रहे हैं या खेल को खेलना बंद करें, नहीं तो बिहार को जो खेल के माध्यम से साम्प्रदायिकता की आग को रोकना चाह रहे हैं वह इससे बिहार का नुकसान होने वाला है। इस नाते आज पूरे बिहार में वह चाहे मगछिया की घटना हो चाहे अन्य कई जगह पर जो घटना चलती है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करके और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उसको गिरफ्तार करके उसको देखने को मिलता है। कांग्रेस ने बैठ नहीं करा कि भाजपा वाले लोग करवाते हैं, भाजपा वाले लोग देखिए ये तो हम किसी के बोलने पर हम कोई स्पष्टीकरण नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ यह बताइए कि आज तक जितने अधिकांश दंगे चाहे वह बिहार में ही हुए हैं, इसके शासनकाल में दंगे हुए हैं ये कांग्रेस के विधायक बताएं। भाजपा जब तक जब भाजपा गठबंधन की सरकार रही है किसी भी प्रकार का कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है बिहार के अंदर। यदि अगर हुआ है तो उसको तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके उसके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और अगर हिंदू धार्मिक त्यौहारों पर या हिंदू समाज की तरफ से भी अगर कोई इस प्रकार के उपद्रव की घटना हुई है तो सबसे पहले उस समाज के भी लोगों को गिरफ्तार करके भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने NDA गठबंधन की सरकार ने किया है। लेकिन आज जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में शामिल है उस गठबंधन की सरकार ने क्या करने का काम कर रही है। हरियाणा के मेवात में हुए हिंसक झड़प बवाल व बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजी करने के मामले में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के स्टेशन चौक पर जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया। साथ ही जिहादी मानसिकता का पुतला दहन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। बजरंग दल के सह संयोजक ने बताया कि बिहार के कई जिलों में मुहर्रम जुलूस में धार्मिक स्थलों में पत्थरबाजी की गई। भागलपुर के काली स्थान में भी पत्थरबाजी की गई। वहीं हरियाणा के मेवात में ब्रज मंडल शोभा यात्रा पर साजिश के तहत हमला किया गया। यह सब घटना बर्दाश्त के लायक नहीं है। 2 दिन पहले नूह में जो बजरंग दल के द्वारा ब्रज मंडल यात्रा निकल रही थी उस यात्रा पे सुनियोजित तरीका से यात्रा 1 किलोमीटर आगे बढ़ी और गोलीबाजी पत्थरबाजी की गई जिसमें हमारे 5 बजरंगियों की जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। 1 बजरंगी की 16 टुकड़े करके हत्या कर दी गई है। हजारों लोग कई घंटों तक मंदिरों में बंधक रहे। इस निमित्त पूरे देश भर के जिला केंद्र पे बजरंग दल इस्लामिक जिहादियों का बहिष्कार करते हुए उनका पुतला दहन कर रही है और उनको चेतावनी देती है। बजरंग दल को छोड़ोगे तो हम भी छोड़ने वालों से नहीं है। अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। भागलपुर के परबत्ती मोहल्ले में मुहर्रम के दौरान बुढ़िया काली मंदिर में ताजिया जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और गेट क्षतिग्रस्त किए जाने को लेकर जहां भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर समाहरणालय के पास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, वहीं जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि जो घटना घटित हुई है उसके लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन इसको लेकर बीजेपी के द्वारा राजनीति
की जा रही है। जब पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, तो ऐसे में धरना देने का क्या औचित्य है? पार्टी के तरफ से चाहे अनशन का कार्यक्रम हो या धरना का कार्यक्रम, जो भी इस तरह का कार्यक्रम मुहर्रम के तर्क प्यौहार बनने के बाद किया जा रहा है, पर्वती के नाम पे, पर्वती के माँ काली बुढ़िया स्थान के नाम पे, मैं भी वहाँ गया था, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, दिन के 10 बजे गया था, सब कुछ मैं वस्तुस्थिति देखा हूँ। प्रशासन से जो मांग था, मजिस्ट्रेट जो बहाल थे, उन्होंने मुकदमा करने का काम किया है, कई लोगों पे मुकदमा हुआ है, गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, प्रशासन लगातार प्रयासरत है। तो प्रशासन में भरोसा करके, न्याय में विश्वास करके इस तरह के कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये माहौल को बिगाड़ने के लिए, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, जो हमारा हिंदू मुस्लिम इकाई का एकता है उसको बिगाड़ने के प्रयास के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, मुकदमा हो ही गया है, FIR दर्ज है, मजिस्ट्रेट ने FIR कर दिया है, प्रयास कर रहा है, गिरफ्तारी होगी। हम आपके माध्यम से मांग भी करते हैं कि प्रशासन को और मुस्तैदी के साथ, SSP साहब को, DSP साहब को पूरी मुस्तैदी के साथ अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए उपद्रवी का। लेकिन इस तरह भारतीय जनता पार्टी को भी अव्यवस्था फैलाने के लिए, इस तरह माहौल बिगाड़ने के लिए कार्यक्रम का नहीं करना चाहिए। 200% नहीं, 2000% भारतीय जनता पार्टी का जो गुटबाजी है भागलपुर में, प्रत्याशी का जो होड़ लगा हुआ है, कुछ पूर्व के प्रत्याशी, कुछ वर्तमान के प्रत्याशी, कुछ भविष्य के प्रत्याशी, उसी का गुटबाजी का ये परिणाम है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, हम लोग मुस्तैद हैं, हमारी सरकार है और जिला जनता दल और महागठबंधन कतई इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। इसके लिए महागठबंधन 24 घंटा तैयार है। ये लोग मुद्दा बनाए, इन लोगों का ये स्वाभाविक गुण है, इनके तो बैठे जो देश में प्रधानमंत्री हैं, गोधरा कांड के मुख्य आरोपी रहे हैं, इनसे क्या कहना कि ये क्या मुद्दा बनाना चाहते हैं, जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून, लुक्स सलून। लुक्स सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला घाट रोड स्थित खंजरपुर इलाके में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीक्षक अभियंता के घर जोगसर पुलिस ने बुधवार को छापेमारी की। इस दौरान अभियंता विजय कुमार के आवास परिसर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने 3 कार्टून इम्पीरियल ब्लू, 2 कार्टून ब्लेंडर प्राइड, 4 कार्टून बियर, 1 कार्टून 100 वाइपर्स विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि PHET विभाग के अभियंता के आवास पर विदेशी शराब की खेप लाई जाती है, जिसके बाद SI शक्ति पासवान के नेतृत्व में CID की विशेष टीम के द्वारा अभियंता के आवासीय परिसर पर छापेमारी की गई, जहां गार्ड रूम से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया। पुलिस ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता विजय कुमार के गार्ड अमरेंद्र पासवान और उसके सहयोगी छोटू उर्फ संतोष यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वही मामले को लेकर अधीक्षक अभियंता का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उनके आवासीय परिसर में इतनी मात्रा में शराब की खेप रखी गई है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान शराब के नशे में रहता था, जिसको लेकर उन्होंने कई बार फटकार भी लगाई थी, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी जरा भी नहीं थी कि शराब तस्करी का धंधा वो कर रहा है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और गिरफ्तार से पूछताछ कर उनके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे को लेकर अधीक्षक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, गार्ड रूम से शराब बरामद हुआ है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ले गया है पकड़ के पुलिस, अब जो भी बताएगा सो गार्ड ही बताएगा कि कहां से आया, और गार्ड ही पहले जाके थाना वाला को बताया भी है और उसी के आधार पर छापामारी हुआ है तो शराब बरामद हुआ है। आप यहीं रहते थे ना? हाँ, रहते हैं। जानकारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी।
गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम अमरिंदर कुमार पासवान है। वो यहाँ बहुत दिन से है, 8-9 साल से था। किस जगह पर चला सर? वो गाड़ी वाले हैं? वो पीछे, वो पीछे है, सरहंड काट क्वार्टर बना हुआ है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहित महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान बरारी रेलवे कॉलोनी निवासी सोनू ताती की 24 वर्षीय पत्नी श्वेता कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना में लड़के वालों का कहना है कि श्वेता और उसके पति सोनू के बीच बीती रात विवाद हुआ था। पति ने उसे एक थप्पड़ मारा, जिस कारण उसने फंदा लगा लिया। वही मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल बांका जिला के महेश मंडल की पुत्री श्वेता की शादी 2017 में बरारी निवासी दिनेश ताती के पुत्र सोनू हुई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था। लड़की बालों ने लड़का पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले भी श्वेता के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद पिछले एक साल से वो अपने मायके में ही रह रही थी। हालांकि महिला थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद दोनों परिवार के बीच सुलह हो गया था, लेकिन बीती रात मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सोनू की मां ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाद का क्या कारण था इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है, लेकिन लड़की वाले उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पति सोनू को हिरासत में ले लिया है। बता दें, सोनू ड्राइवरी का काम करता है और श्वेता से उसे 5 और 3 साल की 2 लड़की है। फिलहाल मामले की जांच के लिए FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है, जबकि दोनों परिवार में मातम पसरा हुआ है। क्या घटना हुई है बताइए तो? घटना यही हुई है कि जो है हम लोग को सुबह 7 बजे यहाँ से फोन किया गया कि आपके जो है भगिनी को जो है मर गई है। तो कैसे मरी है तो ये हम लोग को नहीं बताया गया। क्या लग रहा है? क्या ये हमारी भगिनी लगती है? क्या लग रहा है? कैसे क्या लग रहा है? क्या कैसे इनको इनके साथ मारपीट करके इनको जान से मारा गया है? किनके द्वारा? लड़का के द्वारा, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, यानी इनके पूरे फैमिली की तरफ से। क्यों, पहले से विवाद चल रहा था? हाँ, पहले से विवाद चल रहा था। ऐसे 1.5 साल पहले लोग से बातचीत जो है, लड़की से लोग जो है बातचीत नहीं कर रहा था कोई। तो महिला थाना में हम लोग बांका में आवेदन दिए तो महिला थाना वाले जो है इनके ऊपर फिर कार्रवाई किए, तो ये लोग फिर वहाँ गए। तो इन लोगों का कहना हुआ, भाई ठीक है सर, मेरे ऊपर FIR नहीं किया जाए और हमें लड़की को बता दिया जाए, हम लड़की को रखेंगे सही सलामत, जैसे भी रखेंगे अच्छा से रखेंगे। तो महिला थाना से इन लोगों को सपूत किया गया लड़की को, वहीं से बिदागरी हुई इनका। वहाँ से आने के बाद रास्ते में भी लोग लड़का सब मारपीट किए, लड़का वाले, लड़का का बहन। इसके बाद फिर थाना प्रभारी उनको जो है ऊपर प्रेशर डाले तो सही सलामत रहा। एक आध महीना बहुत अच्छा चला, कल तक अच्छा चला। दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया? हाँ, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। तो जो मांगा गया था तो खैर वो तो दिया ही गया। बिदागरी के समय बोला गया कि हम लड़की को लेकर जाएंगे, पापा हमको ये सामान दीजिएगा तो इन्वर्टर दीजिए, अच्छा से जो है सब मिलकर रहेंगे। वो भी उनको पूरा किया गया। कब शादी हुई थी? ये 2017 में। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम सोनू ताती है। उसके पिता का? पिता का नाम दिनेश ताती है। लड़की का क्या नाम? लड़की का नाम श्वेता कुमारी। इनका इनका पुश्तैनी जमीन चोरबाई पड़ता है अमरपुर। लड़का क्या करता है? लड़का ड्राइवरी करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश कुमार। कौन है आप? बच्चा है 2, एक 5 साल की लड़की है और एक 3 साल की लड़की। जाति जनगणना को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के अन्य राज्यों में भी बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे हर एक जाति वर्ग के लोगों में जो पिछड़े लोग रह गए हैं उनको सरकार मदद कर सके। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जदयू के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के इस फैसले पर बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और जो लोग पिछड़े हैं उन्हें कैसे मदद की जाए, इसको लेकर यह जाति जनगणना कराई जा रही है। और जब जाति गणना शुरू हुई तो उस समय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साथ में ही थी, लेकिन जब गणना शुरू हुई तो उन लोगों के दिमाग में हमेशा, पता नहीं जब से भारतीय जनता पार्टी का लोग सत्ता से बाहर हुए हैं तो उनका दिमाग तरह तरह की बौखलाहट आ गई है उसमें, और वह नहीं चाहता है कि देश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति, गरीब, उसका उद्धार हो, उसका विकास हो, ऐसा वे नहीं चाहते। और इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत, चूंकि गन्ना का एक हिस्सा कार्य समाप्त हो चुका था, दूसरा हिस्सा
शुरू होने वाला था उसमें भी 80% गन्ना शुरू हो चुकी थी और वह समाप्त होने वाला था बहुत जल्दी, और इसको एक साजिश के तहत रोका गया। लेकिन आज कल का दिन पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन था और वह खुशी का दिन था जिस दिन की कल जो उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में, जनता के पक्ष में, पिछड़ों अति पिछड़ों महादलितों के पक्ष में और सामाजिक न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया कि जनगणना चालू रहना चाहिए और कल से ही जनगणना के लिए जैसे ही यह चालू हुआ, चूंकि हम लोगों का जो महाधिवक्ता पीके शाही है उसने जो विरोध किया था पांचों पॉइंट का, उस पांचों पॉइंट के तर्क को काटते हुए सही बताया और उसी के आधार पर चूंकि कोर्ट ने निर्णय दिया और कोर्ट ने निर्णय देने के बाद सरकार ने सभी डीएम को कल ही आदेश दे दिया गया कि गन्ना का कार्य शुरू किया जाए और गन्ना का कार्य आज से शुरू भी हो गया है। इसलिए आज का दिन भी एक खुशी का दिन है, माहौल का दिन है और बिहार के लोगों को खुशी मनाना चाहिए और खुशी मना रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पीजी के अलग अलग विभागों में खाली सीटों पर नामांकन को लेकर पिछले चार दिनों से जनधिकार पार्टी और आयशा के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य गेट के समीप अनशन किया जा रहा है। इस दौरान अनशन स्थल पर दोनों पार्टियों के छात्र छात्राएं दिन रात जमा है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का कहना है कि वे सभी छात्र हित के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रही। साथ ही रात्रि में अनशन स्थल पर छात्राओं के रहने के बावजूद ना तो कोई महिला पुलिस बल और ना ही पुरुष बल की तैनाती की गई है, जिस कारण अनशन स्थल पर किसी भी तरह की अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को पूरी नहीं करता तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। चार दिनों से पीजी में नामांकन को लेकर हम लोग धरना दिए हुए, कई बार तो पदाधिकारी से मिलने का कोशिश की पर वो आश्वासन पे आश्वासन दिए। कल हम लोगों ने विश्वविद्यालय बंद करा करके विश्वविद्यालय गेट पे ही बैठ गए। जब यहाँ पे बैठे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को धरना स्थल में भेजा गया और धरना स्थल पे इतनी सारी लड़कियां कल बैठी थी, एक लाइट का भी व्यवस्था नहीं था, पूरी रात मच्छर काटा, एक गार्ड नहीं थी, एक पुलिस कर्मी नहीं थी, महिला के लिए महिला पुलिस कर्मी तक नहीं थी। ये विश्वविद्यालय क्या करना चाह रही है, हमारे साथ क्या करना चाहिए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम विश्वविद्यालय पदाधिकारी से यही कहना चाहेंगे कि आप पीजी में नामांकन की तारीख जल्द से जल्द घोषित कीजिए, वरना जाप और ऐसा ये आंदोलन आगे लगातार चलती रहेगी। पीजी में नामांकन लेने के लिए हम लोग बैठे हुए चार दिन से लगातार अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। कल से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग विश्वविद्यालय में बोल दिए कि जब तक छात्रों की नामांकन की गारंटी नहीं कीजिएगा हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन जो भी हो हम लोग करेंगे। रात भर छात्राएं बैठी रही धरना स्थल पे, कोई प्रशासन सुरक्षा नहीं दिया। अभी देख लीजिए पूरा विश्वविद्यालय का लठेर पूरा कैंपस में घूम रहा है, दिन में रात में अपराधी किस तरह से घूम रहा है, पूरा धमका रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को धमकाया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय में छात्रों की कोई सुरक्षा नहीं। हमारा क्या गुनाह है कि हमने अपना एक नामांकन मांगे कि हमको नामांकन पीजी में दे दीजिए, ये गुनाह है? क्या छात्र पढ़ेंगे नहीं? कब सीट खाली है विश्वविद्यालय में तब भी आप नामांकन नहीं दे रहे? ये एक मौका हम लोग के प्रशासन दे, हम लोग के फेवर में हो, बस एक मौका चाहिए। रात को पूरी रात हम लोग बैठे हुए थे लेकिन वहाँ पे कोई गाइड करने वाला या फिर कोई यहाँ तक की पुलिस फोर्स कुछ व्यवस्था नहीं किया गया था, कोई व्यवस्था नहीं। लाइट चली गई थी, यहाँ तक की पानी की सुविधा भी नहीं थी, बाथरूम में ताला लगा हुआ था। रात भर हम लोग मच्छरों से जूझे हुए बस ऐसे ही। रात भर क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों धरने में बैठे हुए थे? हम लोग को पीजी में एडमिशन चाहिए, एक मौका मिल जाए हम लोगों को। तो ये डेट कब से कब तक था? डेट बस स्पोर्ट वाला एक निकला था 25 तारीख तक, ये डेट था और इसमें कुछ बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो एडमिशन नहीं लिए हैं, लेकिन वो खाली सीट जो बचा है उसमें हम लोग को मौका चाहिए एक बार, लेकिन ये मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोग प्रशासन से आप लोग मिले? मिले, बहुत बार मिले, रिक्वेस्ट भी किए हम लोग, लेकिन वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे आप लोग का क्या
हम लोग का बस यही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। आदिवासी दिवस के मौके पर दलित मुसलमान एकता मंच की तरह संविधान बचाओ देश बचाओ और पासमानदा मुसलमान के हक और हुकूक के लिए बुद्धिजीवियों की बैठक की गई। बैठक कबीरपुर के जैन मंदिर रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित हुई, जिसमें पटना, आरा, बिहार शरीफ, गया, वैशाली, बांका और नौगछिया के दलित और पासमानदा समाज के लोग एकत्रित हुए। दलित मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष अलीम अंसारी ने बताया कि बिहार में पासमानदा समाज में अंसारी, राइन, मसूरी, नट, हलालखोर, कुरैशी इत्यादि की आबादी बिहार में अल्पसंख्यक आबादी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनकी भागीदारी नहीं है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर रणनीति तय की गई। वहीं आने वाले चुनाव में समाज के लोगों की भागीदारी को लेकर भी चर्चा की गई। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार नीतीश कुमार चौधरी 22 वर्षीय शंभुगंज बांका जिला के रहने वाले छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ एक अन्य साथी मामूली रूप से घायल है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भागलपुर परीक्षा देने जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। वहीं मौके पर से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहा, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। ट्रैक्टर वाला चढ़ा दिया बाइक। क्या नाम हुआ? घर गड़ी